गाजियाबाद लोनी, उत्तर प्रदेश गाजियाबाद से संवाददाता कपिल चौहान। गाजियाबाद के लोनी में अवैध रूप से चल रही केमिकल युक्त फैक्ट्री पर चला प्रशासन का डंडा। फैक्ट्री पर आप पहुंचे हैं, किस तरह की फैक्ट्री और क्या क्या बरामद यहां पर हुआ है, किस तरह की कार्रवाई आपने की है यहां पर? एक सूचना मिली थी कि ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र में एक फैक्ट्री है जो कि अवैध रूप से संचालित हो रही है और उसमें एसिड बनाने का काम किया जा रहा है। अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है, इस फैक्ट्री में के पास कोई भी परमिशन नहीं है इस तरह से कुछ भी प्रोडक्शन करने के लिए एसिड का, तो यहीं पर जॉइंट विजिट किया गया है अभी मेरे द्वारा, साथ में SDM साहब, CO साहब और CFO साहब भी हैं। यहाँ पर हम सभी चीज़ों की जांच कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ इनके द्वारा सप्लाई किया जाता था और कहाँ से रॉ मटेरियल जुटाते थे। मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और इसमें जो भी दोषी है उसके विरुद्ध हम बहुत ही कठोर कार्रवाई करेंगे। सर, जो फैक्ट्री का मालिक है वो कौन है और कहाँ का रहने वाला है? फैक्ट्री का मालिक दिल्ली का रहने वाला है, वो अभी हिरासत में है, उससे पूछताछ की जा रही है और भी अन्य लोग जो इसमें लिप्त हैं। इसके अलावा जहाँ सर आरोप ये है कि दिल्ली दंगों में भी इसी फैक्ट्री से तेजाब सप्लाई किया गया था, ये सब चीज़ें हम वेरीफाई कर रहे हैं, इस चीज़ें हम वेरीफाई कर रहे हैं, वेरीफिकेशन के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। रोज मालिक फैक्ट्री।